मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है। इतनी बड़ी शिकस्त के बाद कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। इस बीच खबर आ रही है कि राहुल गांधी जल्द ही विदेश दौरे पर जा रहे हैं। राहुल गांधी 9 दिसंबर से इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया और वियतनाम की यात्रा पर जाने वाले हैं। राहुल गांधी की यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब लोकसभा चुनाव पास है, इंडिया गठबंधन की गांठें कमजोर हो रही है और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस की 3 राज्यों में बुरी तरह हार हुई है, जिसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो सत्ता में रहते हुए कांग्रेस हार गई है। खराब प्रदर्शन के लिए इंडिया गठबंधन के सहयोगी कांग्रेस पर मनमानी करने, सहयोगी दलों को अपमानित करने और गठबंधन के लिए गंभीरता नहीं बरतने का आरोप लगा रहे हैं। सहयोगी दलों के कई नेताओं ने सार्वजनिक रूप से इस बात का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस गठबंधन के प्रति गंभीर नहीं है। हालत को संभालने के लिए बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद को सामने आना पड़ा है। कमजोर नहीं हुई है कांग्रेस में, आपस में कुछ नेताओं में कही है मध्य प्रदेश को। चलिए 9 दिसंबर को सोनिया गांधी का जन्मदिन है। राहुल मां सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाकर विदेश यात्रा पर रवाना होंगे। जहां एक और कांग्रेस पार्टी में हार को लेकर मंथन का दौर चल रहा है, पार्टी हार के लिए अशोक गहलोत, कमलनाथ और भूपेश बघेल को जिम्मेदार ठहरा रही है, वहीं पार्टी में इस पर दबी जुबान में बात हो रही है कि इस समय में राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलकर हार के लिए विशेष मंथन करने चाहिए। अशोक गहलोत, कमलनाथ और भूपेश बघेल समेत अन्य नेताओं पर हार के लिए जवाबदेही ढूंढनी चाहिए, लेकिन ऐसे नाजुक माहौल में राहुल विदेश जा रहे हैं तो इस पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि राहुल की विदेश यात्रा सुनियोजित थी, ऐसे में उनके दौरे पर सवाल नहीं उठना चाहिए। हालांकि विपक्षी गठबंधन इंडिया से जुड़े सहयोगियों का मानना है कि ऐसे में जब पार्टी के साथ गठबंधन संकट में है, तब उन्हें परिपक्वता का परिचय देते हुए यह यात्रा टाल देनी चाहिए। बाकी इस पे आपकी क्या राय है, आप अपने हिस्से का राय हमें कमेंट के जरिए अवश्य बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, तब तक बने रहें सहारा समय के साथ। अगर आप हमारे ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।